सो इन्फिनिक्स इज़ वन ऑफ द ओनली ब्रांड जो कि मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अभी के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स नोट 11। तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं, मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ। सो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। तो अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो दिस फोन हैज़ अ फुल HD प्लस पैनल विथ एमोलेड डिस्प्ले। क्या मुंह खुला रह गया? अभी प्राइस और सुन लो। ये फ़ोन 12,000 का आता है, 12,000 के अंदर एमोलेड पैनल कौन देता है? अब एक काम करो, मुंह बंद कर लो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 400 तो करा दो यार, 300 से बढ़ ही नहीं रहे ऊपर। अब इसमें कौन से ग्रेड का पैनल है ये तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, शायद एमोलेड में सबसे नीचे वाले ग्रेड का पैनल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एमोलेड देना ही बड़ी बात है। ग्रेड का तो चिंता ही मत करो, क्योंकि 12,000 में नहीं मिलते एमोलेड अच्छे। बट ऑन पेपर की बात करूँ तो ऑफिशियली दिस फोन इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन विद एमोलेड डिस्प्ले। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ जिसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं, दैट इज़ बैटरी एंड चार्जिंग। सो बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो दिस फोन हैज़ अ 5000 मिली एम्पियर बैटरी विद अ 33 वॉट्स फास्ट चार्जिंग। अब तो आंखें खुली रह गई होंगी। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी ना कि इस फ़ोन में 12,000 के अंदर 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, मेरी भी आंखें खुली रह गई थी। मैंने कहा भाई हाउ इज दिस पॉसिबल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। सो नाउ डेज कैमरा इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन स्मार्टफोन, क्योंकि लड़कियों को मेकअप मिले ना मिले, लेकिन अच्छा कैमरा ज़रूर मिलना चाहिए। और इसका भी ख्याल देखा जाए तो इन्फिनिक्स ने रखा है अच्छी तरह से। तो इन्फिनिक्स ने इसके अंदर दिया है एक 50 मेगापिक्सल विद 1.6 अपर फोकल लेंथ के साथ प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, लाइक जो नया वाला है। सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फ़ी मिल रही है इस फ़ोन में 16 मेगापिक्सल की, मतलब नॉर्मली 16 मेगापिक्सल इस प्राइस में सेल्फ़ी मिलना थोड़ा मुश्किल है। और जिन जिन लोगों को अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है या फिर अंधेरे में घर में लाइट नहीं है, तो उनके लिए फ्रंट फ्लैश का भी मत जुगाड़ कर रखा है। बाकी इस फ़ोन में कैमरे तो और भी हैं, लेकिन वही बात है, लैम्बोर्गिनी के सामने DC-01 की बात कौन करता है। और नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं जो है स्पीकर्स। वैसे स्पीकर्स की ज़्यादा इतनी बात होती नहीं है, ज़्यादातर लोग स्पीकर्स को इग्नोर ही करते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो फ़ोन में स्पीकर अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। लाइक वो चीज़ मेरे को इन नोट 1 में नहीं मिली, लेकिन ठीक है दूसरे फ़ोन में अच्छे मिलने चाहिए। तो इस फ़ोन में एक डुअल स्पीकर है, मतलब नीचे भी स्पीकर ऊपर भी स्पीकर, और मेरे हिसाब से ज़्यादा ऊपर वाला स्पीकर वही है जो रिसीवर वाला होता है, क्योंकि मैंने एक फ़ोन में देखा था लाइक अभी एक दो दिन पहले, वो इन्फिनिक्स का फ़ोन था, उसमें कोई स्पीकर नहीं था, तो मेन आवाज़ रिसीवर से ही आ रही थी विद DTS साउंड टेक्नोलॉजी। लाइक DTS मेरे हिसाब से डॉल्बी डिजिटल साउंड की बात करी गई है, आई डोंट नो, अगर डॉल्बी डिजिटल की बात हो रही है तो लाइक मेरे को भी कमेंट करके कंफर्म कर देना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस स्मार्टफोन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसर। क्योंकि लाइफ अच्छी चलनी चाहिए लेकिन फ़ोन अच्छा चलना चाहिए, और इसका भी ख्याल इन्फिनिक्स ने रखा है। इस फ़ोन के अंदर एक MediaTek Helio G88 प्रोसेसर, जो कि देखा जाए तो G85 का थोड़ा सा अपग्रेडेबल वर्जन है, जिसमें शायद सेम क्लॉक्स हैं लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें इंप्रूव करी गई हैं। वैसे G85 ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैपेबल था, G88 मेरे को लगता है थोड़ा और ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैम एंड मेमोरी ऑप्शंस। तो मेमोरी ऑप्शंस क्या मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन बेसिक वेरियंट की अगर मैं बात करूँ तो ये फ़ोन 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल के साथ आता है। अब इंटरनल में कौन सा टाइप यूज़ किया गया है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि शायद इन्फिनिक्स ने बताना सही नहीं समझा। AMMC या UFS अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में कन्फर्म कर दो। तो नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है OS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि जितना भी हार्डवेयर इसमें दिया है उसको कैपेबिलिटी को खोलने के लिए एक अच्छा OS होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्फिनिक्स के साथ अफसोस नहीं आता, क्योंकि मैंने अभी एक दो दिन पहले इन्फिनिक्स का एक फ़ोन चलाया था, उसका उसमें XOS था और इतना गंदा, इतना लैगी, इतना बगी था बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और इन्फिनिक्स प्रॉमिस करता है कि आगे अपडेट देगा। अब इन्फिनिक्स के फ़ोन मैंने ऐसे कभी यूज़ करे नहीं, अगर आपके फ़ोन पर आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है और उसमें अपडेट आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप उन लोगों में से हो जिसको OS से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक कैसा भी हो एड वेड आए तो काम चल जाता है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, फिर आप बैठे क्यों, जल्दी से खरीद लो, क्योंकि अगर ये फ़ोन महंगा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी बायोमेट्रिक्स की बात करूँ तो इस फ़ोन में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, लाइक फिजिकल फिंगरप्रिंट उनसे वो
स्क्रीन वाले होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। क्योंकि मैंने एक बार एक देखा था, एक ऑटो में एक लड़के का ऐसा वो प्रेस कर रहा था और उसका फ़ोन अनलॉक ही नहीं हो रहा था, मज़े की बात। इससे अच्छा तो फिर क्या ज़रूरत है, लाइक साइड वाले काम तो करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस फोन। अगर ये फ़ोन डेफिनेटली पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं पसंद डिसलाइक मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये अमीगो साइनिंग आउट।